इस वीडियो में हम सीखेंगे कि विजिटिंग कार्ड या नेम कार्ड ऑनलाइन कैसे ऑर्डर करते हैं। मैं अपने नाम के विजिटिंग कार्ड डिजाइन करूंगी। हमारा विजिटिंग कार्ड हमारी पहचान होता है। जब हम किसी को पहली बार मिलते हैं तो कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं और यही कार्ड बाद में आपकी मीटिंग के बाद किसी के पास रह जाता है। इसलिए ये आपकी आइडेंटिटी और ब्रांड दोनों एस्टैब्लिश करता है। बड़ी कंपनीज में तो ब्रांड गाइडलाइंस होती हैं कि विजिटिंग कार्ड का फॉन्ट कौन सा होगा, उस पर लोगो कौन सा होगा और कहाँ होगा, कौन से कलर या पैंटोन शेड का होगा, यहाँ तक कि कार्ड कितने मोटे कागज पर होगा, उसकी थिकनेस क्या होगी, ये सब फिक्स्ड होता है और प्रोफेशनली डिजाइन किया जाता है। लेकिन अगर हमारा छोटा सा बिजनेस है, हम फ्रीलांसर हैं या फिर एजेंसी का बजट नहीं है, तो हम खुद भी अपना विजिटिंग कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और उसकी डिलीवरी घर पर पा सकते हैं। यहाँ मैं आपको दो वेबसाइट्स का एग्जाम्पल या उदाहरण दूंगी, मू और विस्ता प्रिंट। ये दोनों वेबसाइट्स मैंने खुद इस्तेमाल की हैं और अपने विजिटिंग कार्ड्स भी यहाँ से ऑर्डर कर चुकी हूँ। चलिए विजिटिंग कार्ड ऑर्डर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको विस्ता प्रिंट नाम की एक कंपनी दिखा देती हूँ। ये है विस्ता प्रिंट। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर अपना खुद का नया अकाउंट खोल सकते हैं। मेरा पहले से यहाँ पर अकाउंट है, मैं पहले से यहाँ पर लॉग्ड इन हूँ। फिलहाल यहाँ पर ब्लैक फ्राइडे की सेल्स चल रही हैं और यहाँ पर 60% ऑफ चल रहा है। पर आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि ये देखिए, ये है मेरा पुराना विजिटिंग कार्ड जो मैंने इसी साइट से ऑर्डर भी किया था और मैंने अपने घर में डिलीवरी भी की थी। चलिए यहाँ पर एक नया विजिटिंग कार्ड डिजाइन कर लेते हैं। ऊपर नेविगेशन में है बिजनेस कार्ड्स, यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। वैसे तो इस साइट से आप काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि साइंस, पोस्टर्स, कुछ अगर आपको बैग्स बनाने हैं या कोई मार्केटिंग के मटेरियल्स बनाने हैं, वो सब भी आप यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। फिलहाल मैंने बिजनेस कार्ड्स सिलेक्ट किया है और अब आप यहाँ पर पेपर क्वालिटी चूज कर सकते हैं। देखिए ये है स्टैंडर्ड, फिर है सिग्नेचर और ये है अल्ट्रा थिक। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप स्टैंडर्ड चूज करेंगे तो पेपर की क्वालिटी थोड़ी आम सी क्वालिटी होगी और अगर आप अल्ट्रा थिक चूज करेंगे तो वो बहुत मोटा पेपर होगा। लेकिन यहाँ पर आपके जो प्राइसेस हैं, जो इसका दाम है, वो बढ़ते जाएगा। यहाँ पर मैंने ये वाला पिछली बार ऑर्डर किया था जो कि काफ़ी पतला था, तो इस बार मैं सिग्नेचर ट्राई करने वाली हूँ। चलिए यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं और अब वो हमसे पूछ रहा है कि क्या आप डिज़ाइंस को ब्राउज करना चाहते हैं या फिर आप अपना खुद का लोगो लगाना चाहते हैं। अगर आपके पास अपना पूरा का पूरा डिज़ाइन तैयार है, अगर आपने किसी डिज़ाइनर से अपना विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करवाया है, तो आप उसे भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। या फिर इनकी एक सेवा है जहाँ पर कि ये आपके लिए विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन कर लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ब्राउज आर डिज़ाइंस पर क्लिक करने वाली हूँ और एक बहुत ही सिंपल सा कार्ड डिज़ाइन करने वाली हूँ। चलिए ये रहा ब्राउज आवर डिज़ाइंस। अब यहाँ पर आपको 8000 से भी ज़्यादा डिज़ाइंस दिख जाएंगे। ये देखिए एक पॉपअप सा खुल गया और वो कह रहा है कि आप अपनी कंपनी का नाम और अपना खुद का नाम यहाँ पर टाइप कर लीजिए। तो चलिए मैं अपनी कंपनी का नाम यहाँ पर टाइप कर देती हूँ जो है डिजिटली रेडी, और अपना नाम यहाँ पर डाल देती हूँ। अगर आपकी कंपनी नहीं भी है, अगर आपका कोई YouTube चैनल है या अगर आपकी कोई वेबसाइट है, तो आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। चलिए अब हम अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए अब सारे के सारे कार्ड फेसेस मेरी कंपनी और मेरे नाम के साथ दिखना शुरू हो गए, जिससे मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि अगर मैंने ये डिज़ाइन चूज़ किए तो ये प्रिंट होकर किस तरह से दिखेंगे। यहाँ पर देखिए लेफ्ट मेन्यू में, लेफ्ट नेविगेशन में आपको दिखेंगे बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज और फिर हैं स्टाइल्स। आप चाहें तो आप इन्हें सॉर्ट कर सकते हैं। ये देखिए अगर आप आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट की फील्ड से हैं तो आप उस तरह के डिज़ाइंस चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोई स्पा या सैलॉन है तो आप वो वाली कैटेगरी चुन सकते हैं। फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, अगर आप लॉयर हैं, वगैरह वगैरह। तो हम यहाँ पर पहले व्यू मोर पर क्लिक कर लेते हैं और देखिए सारी की सारी जो कैटेगरीज हैं वो खुल गई।
अब मेरा जो चैनल है वो मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशंस में भी आता है और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी आता है, तो मैं इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी चुन लेती हूँ। और यहाँ पर इसके अंदर सब कैटेगरीज भी हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसे रहने देने वाली हूँ। फिर आए स्टाइल्स एंड थीम्स पर, आपको बोल्ड चाहिए, कंजर्वेटिव, एलिगेंट, मॉडर्न वगैरह वगैरह, तो मैं यहाँ पर एलिगेंट चूज कर लेती हूँ। एलिगेंट किया तो बहुत ही कम ऑप्शंस बच जाती हैं, चलिए कंजर्वेटिव कर लेते हैं जिससे कि थोड़ा और यहाँ पर डिजाइंस हमें दिख गए। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर मॉडर्न भी चुन सकते हैं। तो अब ये वाले जो कार्ड्स हैं ये मुझे डिस्प्ले होने लग गए। अगर आपको याद होगा हमने 8000 डिजाइंस देखे थे शुरू में और अब 150 के करीब रह गए हैं। तो इस तरह से आपको ये कार्ड फेसेस दिख रहे हैं, आप इनमें से कोई भी चुन सकते हैं। देखिए फिलहाल 24 डिस्प्ले हो रहे हैं, हम 96 डिजाइंस को एक ही पेज पर डिस्प्ले कर लेते हैं जिससे कि हमें आसानी हो जाएगी और हम एक साथ सबको देख पाएंगे। अब यहाँ पर कोई राइट या रॉन्ग तो है नहीं, ये अपनी पसंद है, आपको जो डिजाइन अच्छा लगे आप वो चुन लीजिए। हाँ ये थोड़ा मुझे अच्छा लग रहा है, इसे मैं राइट क्लिक करके खोल लेती हूँ। एक और थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये तो मेरा पुराना ही डिजाइन है। देखिए जब आप नेम कार्ड बनाते हैं तो आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज तो ये कि ये आपके इंडस्ट्री या आपके प्रोफेशन के हिसाब से हो। अगर आप आईटी कंसल्टेंट हैं या अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप अपनी इंडस्ट्री के हिसाब से वो बनाइए, क्योंकि वो आपकी पहचान है, आपकी आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। दूसरी बात, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ज्यादा बिजी कार्ड मत चूज करिए। और तीसरी बात, ऐसा कार्ड होना चाहिए जो कि पढ़ने में आसान हो, जिसकी रीडेबिलिटी अच्छी हो। तो हम इसमें से कोई भी डिजाइन यहाँ पर चुन लेते हैं। ये एक और है जिसमें कि एक माउस है तो अच्छा लग रहा है। मैं फिलहाल इन सबको ओपन इन न्यू टैब कर रही हूँ और बाद में इन सारे टैब्स को एक साथ देख करके और फिर हम चूज कर लेंगे। तो बहुत सारे डिजाइन आ गए, अब एक एक करके इन्हें फटाफट से देख लेते हैं। ये हाँ ठीक ही लग रहा है, ये एक और है पर मुझे ठीक से पसंद नहीं, इसे बंद कर दिया, ये तो मेरा पुराना ही डिजाइन है। ये भी ठीक लग रहा है, ये थोड़ा अच्छा है। ये माउस है, वैसे आजकल माउस कम ही लोग यूज करते हैं। ये भी ठीक है, न्यूट्रल है और साथ में ज्यादा बिजी भी नहीं। ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कंप्यूटर है, चलिए इसे भी बंद कर देती हूँ। कुछ खास अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा है। तो मैं फिलहाल एक नया यहाँ पर कार्ड चुन लेती हूँ जो कि है ये। अब इस कार्ड के अंदर मुझे अपनी डिटेल्स डालनी होंगी। यहाँ पर देखिए ये है इसका फ्रंट साइड, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर नीचे क्लिक करके इसकी बैक साइड भी चुन सकते हैं, लेकिन अगर आप पीछे की साइड चूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। अगर आप प्लेन बैक साइड चूज करते हैं तो उसके कोई पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर आप ग्रे स्केल चूज करते हैं यानी कि ग्रे कलर में चूज करते हैं तो उसके कम पैसे हैं। अगर आप फुल कलर चूज करते हैं तो देखिए उसमें ये इस तरह से आ जाता है, बहुत अट्रैक्टिव है लेकिन उसके पैसे डबल हैं। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको पीछे की साइड क्या चाहिए। यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस भी हैं, आप चाहें तो आप यहाँ पर अपनी कंपनी का कोई मैसेज दे सकते हैं। अगर आप कोई डेंटिस्ट, डॉक्टर या अगर आप अपॉइंटमेंट्स देते हैं लोगों को तो आप इसे अपने अपॉइंटमेंट कार्ड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पीछे आप ये फॉर्म सा दे सकते हैं। ये हुआ सिंपल सा फॉर्म और फिर ये एक और अपॉइंटमेंट का फॉर्म है जिसमें ज़्यादा कलर है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्होंने आपको 6 ऑप्शंस दी हैं, यहाँ पर 6 ऑप्शंस दी हैं बैक साइड के लिए, आप इनमें से कोई भी चुन सकते हैं। मैं फिलहाल इसे ब्लैंक रखने वाली हूँ। चलिए तो ये तो थी बैक साइड की बात, अब हम फ्रंट साइड पर आ जाते हैं। ये देखिए ये रही मेरी कंपनी, ये रहा मेरा नाम, अब यहाँ पर आप अपना एड्रेस चुन सकते हैं। फिलहाल इसका बैकग्राउंड एक नीले से रंग का बैकग्राउंड है और फॉन्ट जो है वो काला है, ये ब्लैक फॉन्ट है। आप चाहें तो आप इधर क्लिक करके
इस कलर पैलेट में से फॉन्ट चुन सकते हैं। आप चाहें तो उसे वाइट कर सकते हैं, ब्लैक कर सकते हैं, या फिर ऑल कलर्स पर क्लिक करके अपना मनपसंद कलर भी चुन सकते हैं। यहाँ पर कस्टम कलर है और देखिए पूरा का पूरा पैलेट है, आपको जो कलर पसंद हो आप उसे चुन लीजिए। रेकमेंडेड कलर्स में दो ही कलर्स हैं, ब्लैक और वाइट। मैं फिलहाल ब्लैक के साथ ही जाने वाली हूँ। फिर यहाँ पर हैं फॉन्ट्स, बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट्स हैं, आपको जो फॉन्ट पसंद हो आप उसे चुन लीजिए। मैं फिलहाल डिफॉल्ट फॉन्ट के साथ ही जाने वाली हूँ। और फिर यहाँ पर टेक्स्ट की और ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, उसका साइज बड़ा कर सकते हैं और यहाँ पर अंडरलाइन भी कर सकते हैं। मोर पर क्लिक किया तो आपके पास अलाइनमेंट की ऑप्शंस हैं, आप उसे लेफ्ट, सेंटर या राइट अलाइन कर सकते हैं, या फिर और आपके पास ऑप्शंस हैं। फिलहाल हम इसे, ओह मेरी पहली लाइन तो गायब हो गई, तो मैं इसे अंडू कर देती हूँ। ये रही वो लाइन। अब हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर अपना एड्रेस टाइप कर लेते हैं। मैं ऐसे ही कुछ डमी टेक्स्ट यहाँ पर डाल देती हूँ। यह है 123 सिंगापुर लेन, और यहाँ पर डाल देती हूँ न्यू दिल्ली। अब यहाँ पर वाइट में आ गया और यहाँ पर ब्लैक में तो ठीक नहीं लग रहा। हम इसे क्लिक करके और इसका भी ब्लैक फॉन्ट कर देते हैं, तो ये सब ब्लैक में आ गया। आप चाहें तो आप यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं। अब अगर आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं तो अपना कंट्री कोड डालना मत भूलिए। यहाँ पर मैं ऐसे ही एक डमी नंबर डाल रही हूँ, ये मैंने डमी नंबर डाल दिया। फिर आए ईमेल पर, और अब आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट डाल सकते हैं। आप चाहें तो आप यहाँ पर अपना यूट्यूब चैनल जो है उसका लिंक दे सकते हैं। मैं यहाँ पर अपनी खुद की वेबसाइट का लिंक डाल देती हूँ। तो ये देखिए, ये जो है हमारे कार्ड का टेक्स्ट आ गया। अब अगर आपके पास कोई और यहाँ पर चीज़ है जो आप डालना चाहते हैं, जैसे कि आप अपना फेसबुक का पेज डालना चाहते हैं या कोई भी और टेक्स्ट फील्ड डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक बटन है जो है ऐड न्यू टेक्स्ट फील्ड। आप उस पर क्लिक करके, और ये देखिए ये टेक्स्ट आ गया, आप उसे नीचे इस तरह से ड्रैग भी कर सकते हैं। हमने इसे अलाइन कर लिया और अब हम अपने फेसबुक पेज का URL यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। तो ये देखिए facebook.com, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं बची तो हम इसे थोड़ा सा इस तरह से अलाइन कर लेते हैं ताकि ये सिमेट्रिकल लगे। और अब यहाँ पर थोड़ा सा गैप आ गया, अब ये ठीक लग रहा है। तो ये हमारा विजिटिंग कार्ड तैयार है। अब आप चाहें तो आप इसे सेव कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन तो ये होगी कि अगर आपको कार्ड पसंद नहीं भी है तो भी आप उसे सेव कर लीजिए, ताकि बाद में आपको यही सारे स्टेप्स ना लेने पड़े और ये जो डिज़ाइन है ये आपके पोर्टफोलियो में अब सेव हो गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए, माय अकाउंट पर गए तो यहाँ पर ये है माय पोर्टफोलियो। माय पोर्टफोलियो में आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा कार्ड है। एक ऐसा कार्ड है जो कि मैंने पहले ऑर्डर किया था, और ये जो है ये वाला कार्ड मैंने अभी अभी बनाया है। अगर आप चाहें तो आप बाद में यहाँ पर आकर के इसे एडिट कर सकते हैं, या फिर आप इसे सीधा ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो ऑर्डर कैसे करेंगे, ये देखिए ऑर्डर के बटन पर क्लिक किया और ये आपको दिखा रहा है कि आपका कार्ड इस तरह से लगेगा। अब यहाँ पर फिलहाल मुझे सारे के सारे प्राइसेस सिंगापुर डॉलर में दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप इंडिया में हुए तो आपकी कंट्री की करेंसी में या रुपए में आपको प्राइस दिखेगा। आप यहाँ पर अलग अलग क्वांटिटी चूज कर सकते हैं, जैसे कि आपको 100 कार्ड चाहिए, 250, 500 वगैरह वगैरह। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो आपको पर कार्ड कॉस्ट कम पड़ती है। लेकिन अब ये ज़रूरी नहीं कि आप 1000 कार्ड ऑर्डर करके बैठ जाएं जब आपको उनकी ज़रूरत है ही नहीं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर 100 कार्ड ही चुनने वाली हूँ और बस नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए मुझे एक अलर्ट आ रहा है, वो बोल रहा है कि आपको 60% ऑफ मिल जाएगा, और यहाँ पर ये वाला जो है प्रोमो कोड है बेस्ट डील्स, तो हम ये याद रखेंगे। लेकिन ये जो प्रोमो है ये कुछ ही दिन तक है, तो अगर आप चाहें तो आप फटाफट से यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं, ये ब्लैक फ्राइडे की डील चल रही है। अब वो आपको कुछ फिनिशिंग बोल रहा है कि क्या आपको ग्लॉसी कार्ड चाहिए, मुझे तो नहीं चाहिए, मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देती हूँ। अब
कुछ और ऑप्शंस हमें दी जा रही हैं, आप चाहें तो आप यहाँ पर मैट कार्ड ले सकते हैं या और भी ऑप्शंस आपके पास हैं, आप अलग अलग तरह के कार्ड चुन सकते हैं। मैं फिलहाल नेक्स्ट पर क्लिक कर देती हूँ और ये देखिए अब वो आपको अपसेल करने की कोशिश कर रहा है, कुछ अलग अलग चीज़ें बेचने की कोशिश कर रहा है। मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देती हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप ये सब चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। और आ गए पेन्स, नोटबुक्स, माउस पैड वगैरह वगैरह। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देती हूँ। यहाँ पर आपको कुछ फ्री वेबसाइट भी दी जा रही है जो कि एक महीने के लिए फ्री है, फिलहाल मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देती हूँ। अब ये है हमारी शॉपिंग कार्ट, यहाँ पर ये रहा हमारा कार्ड, ये है क्वांटिटी और ये है प्राइस। अब अगर आपको याद होगा तो हमारा जो प्रोमो कोड था वो था बेस्ट डील्स, तो मैं उसे यहाँ पर टाइप कर देती हूँ और अप्लाई पर क्लिक किया तो ये देखिए हमारा प्रोमो कोड अप्लाई हो गया और अब इसकी कॉस्ट लगभग $14 हो गई है। बस आप चेकआउट पर क्लिक कर देते हैं। अब ये रहा मेरा शिपिंग एड्रेस, मैं पहले से अकाउंट क्रिएट कर चुकी थी इसलिए मेरा पहले से यहाँ पर शिपिंग एड्रेस है, लेकिन आप यहाँ पर अपना खुद का एड्रेस डाल सकते हैं और उसके बाद आप अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं जो है नेक्स्ट पर क्लिक कर देती हूँ। अब आप अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डाल दीजिए और उसके बाद आपका जो ऑर्डर है वो कम्प्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास क्रेडिट कार्ड या फिर पेपैल से पेमेंट देने की ऑप्शन है। कुछ कंट्रीज़ में ये पेपर चेक भी एक्सेप्ट करते हैं, पर मुझे पता नहीं कि ये ऑप्शन इंडिया में अवेलेबल है या नहीं। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो ये रहा इनका नंबर, आप इन्हें इस नंबर पर फ़ोन करके पूछ भी सकते हैं। तो बस इसके बाद आपका जो कार्ड है वो आपको कुछ ही दिन में डिलीवर हो जाएगा। ये तो थी बात विस्ता प्रिंट की, पर जो मेरी फेवरेट साइट है वो है मू। ये यूके की एक कंपनी की साइट है और यहाँ पर बहुत ही सुंदर डिज़ाइंस रहते हैं, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए ये मैंने एक डमी कार्ड बनाया है, तरीका लगभग वही है, आप इसका फ्रंट फेस डिज़ाइन कर सकते हैं और आप इसका बैक फेस भी डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखिए ये है फ्लिप, अगर मैं पीछे करती हूँ तो यहाँ पर मैंने एक कोट डाला है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप इसे ब्लैंक रखें या यहाँ पर कोट डालें या अपने अपॉइंटमेंट के लिए कुछ डालें। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग सुंदर कार्ड्स हैं जो कि बहुत ही ब्यूटिफुली डिज़ाइंड हैं और इसमें पिक्चर्स, फॉन्ट्स काफ़ी एस्थेटिकली डिज़ाइंड हैं, इसलिए ये मुझे साइट पसंद है। चलिए ये एक कार्ड है, मैं इसे चूज़ कर लेती हूँ, ये है यू कैन कोट मी 3, यानी इसके पीछे जो है कोट्स हैं। चलिए इस पर क्लिक किया और यहाँ पर ये देखिए इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि फ्रंट साइड में तो आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन आप ये एक पैक बना सकते हैं जिससे कि बैक साइड पर ये सारे के सारे कोट्स वाले कार्ड्स आ जाएंगे। तो मानिए आपने 100 कार्ड्स चूज़ किए, आप अलग अलग कार्ड्स इस पैक में डाल सकते हैं जिसमें कि पीछे की साइड अलग हो। तो ये देखिए ये इस तरह से मेरे कार्ड का फ्रंट आ गया। अब अगर इसे फ्लिप करें तो पीछे देखिए बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइंस हैं, ये है डिज़ाइन 1 of 9। अगर आप यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग डिज़ाइंस दिख जाएंगे। और यहाँ नीचे देखिए आपके पास कॉर्नर्स की भी ऑप्शन है, आप चाहें तो आप राउंड कॉर्नर वाला कार्ड ले सकते हैं। आपके पास लेआउट की ऑप्शन है, आप उसे हॉरिजॉन्टल चाहते हैं, वर्टिकल, आपको सिर्फ टेक्स्ट चाहिए या फिर टेक्स्ट और इमेज दोनों। तो यहाँ पर कस्टमाइज़ करने की बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस हैं। और फिर एंड में आए बैकग्राउंड पर, आपको किस रंग का ये कार्ड चाहिए आप वो वाला कलर यहाँ पर चुन सकते हैं, फिलहाल मैं वाइट ही रखने वाली हूँ। तो ये कार्ड हमारा डिज़ाइन हो गया, बस अब क्वांटिटी एंड पेपर, आप यहाँ पर पेपर का टाइप चूज़ कर सकते हैं जो ओरिजिनल है, फिलहाल मैंने सुपर चूज़ किया है। और फिर कॉर्नर्स, अगर आपको ऐसे गोल से कॉर्नर्स चाहिए तो आप वो रख लीजिए, वरना आप स्क्वायर रख सकते हैं। और फिर सॉफ्ट टच या हाई ग्लॉस, ग्लॉस में वो एक तरह से शाइनी हो जाता है, उसमें चमक सी होती है, पर मुझे वो अच्छा नहीं लगता इसलिए मैंने सॉफ्ट टच रखा है। फिर आए
नंबर ऑफ कार्ड्स पे। यहाँ देखिए सब पाउंड्स में है, अगर आप चाहें तो आप 200, 100 वगैरह वगैरह अलग अलग क्वांटिटीज चूज कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपके लिए कार्ड की कीमत कम होती जाएगी। ये काफ़ी महंगा है लेकिन सुंदर भी है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको इतने पैसे खर्च करने हैं या नहीं। फिर आए रिव्यू एंड परचेज पे, तो ये देखिए ये जो है इस तरह से हमारा फ्रंट दिखेगा और ये पीछे जो है ये अलग अलग कोट्स वाले मिक्स्ड कार्ड्स होंगे, यानी कि हर किसी कार्ड के फ्रंट पर ये होगा और पीछे अलग अलग कोट होगा। यहाँ पर अभी शिपिंग इंक्लूडेड नहीं है। चलिए ऐड टू कार्ट पर करते हैं। तो ये देखिए ये आ गई हमारी कार्ट और यहाँ पर 100 कार्ड हैं। ये है इसकी कॉस्ट, जो शिपिंग है वो आपकी कंट्री के हिसाब से कैलकुलेट होगी। तो अगर आपकी कंट्री इंडिया है या कोई और कंट्री है तो हो सकता है कि आपकी शिपिंग की कॉस्ट अलग हो। यहाँ पर देखिए हम इंडिया डाल के देख लेते हैं। ये देखिए हमने इंडिया डाला तो यहाँ पर ये इस तरह से शिपिंग कॉस्ट हो गई। अब चेकआउट पर क्लिक कर लेते हैं। अब डिलीवरी की भी कुछ ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं लेकिन उसमें कॉस्ट ज़्यादा है, या फिर आप इकोनॉमी कर लीजिए जिसकी कॉस्ट कम है लेकिन जो डिलीवरी डेट है वो लगभग एक महीने के बाद है। कोई बात नहीं, मुझे कम शिपिंग कॉस्ट चाहिए। लेकिन अगर आपको एक्सप्रेस चाहिए या आपको फटाफट से कार्ड चाहिए तो आपको उसके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ सकते हैं। चलिए कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। अब आप यहाँ पर अपना शिपिंग एड्रेस डाल सकते हैं। एक बार आपने शिपिंग एड्रेस डाल दिया फिर आप पेमेंट कर दीजिए। चलिए यहाँ पर पहले अपना नाम डाल दिया, कंपनी का नाम डाल दिया, एड्रेस डाल देते हैं। अब अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिलिंग एड्रेस अलग है तो आप उसे यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना आप इसी बॉक्स पर टिक रखिए। कंटिन्यू पर क्लिक किया, कंटिन्यू पर क्लिक किया। अब आप अपनी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डाल सकते हैं और उसके बाद प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करके आप इस ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं और आपको आपके कार्ड की डिलीवरी इस डेट तक हो जाएगी। तो बहुत ही आसान है, आप अपना विजिटिंग कार्ड ऑनलाइन खुद डिज़ाइन कर सकते हैं और घर पर वो तैयार कार्ड्स आपको डिलीवर हो जाएंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। YouTube पर लाइक का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की नोटिफिकेशन या सूचना पा सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।